दोस्तों आज हम इस वीडियो में सरोजिनी नायडू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम कोरोमंडल फिशर्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन में प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये जो पोएम है कोरोमंडल फिशर्स, इस पोएम में दोस्तों सरोजिनी नायडू जी ने फिशर्स मैन के जो हार्ड वर्किंग जो लाइफ स्टाइल होता है उसके ऊपर बात किया है। जो फिशर्स मैन होते हैं, जो फिश पकड़ते हैं, जो मछली होते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल होता है, किस तरह से वो हार्ड वर्क करते हैं अपने लाइफस्टाइल के लिए, जीने के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने इस पोएम को लिखा है। इस पोएम के जो स्पीकर है वो एक फ़िशर है और वो अपने फिशर जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे बात कर रहे होते। तो पोएम इस तरह से शुरू होता है कि मॉर्निंग का टाइम है, चारों तरफ जो हवा है वो पीसफुली ब्लो कर रहा है, बह रहा है, और जो स्पीकर है वो एक फ़िशरमैन है और वो अपने फ्रेंड जितने भी दोस्त हैं वो भी फ़िशर्स हैं, उनको इनक्रेज कर रहे हैं कि सुबह हो चुका है उठने के लिए और अपने जो फ़िशिंग लाइफस्टाइल है उसको चालू करने के लिए, क्योंकि फ़िशिंग लाइफस्टाइल ही उनका रोजी रोटी है। तो जो जो स्पीकर है वो भी एक फ़िशर है, वो अपने जो फ़िशर्स जो फ्रेंड्स हैं उनको बोल रहे हैं कि सुबह हो गया है उठने के लिए और फ़िशिंग काम स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद वो जो जितने भी फ़िशर्स मैन हैं वो जाते हैं और जो फ़िशिंग नेट्स है उसको कलेक्ट करते हैं फिश कैचिंग पकड़ने के लिए। और उसके बाद जो स्पीकर है वो ये बोलते हैं कि अपने फ्रेंड्स को ये सब ये बोलते हैं कि फ़िशिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले डिले नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों जो स्पीकर है वो अपने फ्रेंड्स को इंकरेज करते हैं फ़िशिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो स्पीकर है वो ये बोलते हैं कि जो सी है वो उनके मदर है, जितने भी फिशर्स मैन के मदर होते हैं, क्लाउड जो होता है वो ब्रदर होते हैं और जो वेव्स होता है वो कॉम्रेड्स होते हैं, यानी कि साथी होते हैं। उसके बाद जो स्पीकर है वो एनवायरमेंटल जो ब्यूटी है, जो नेचुरल ब्यूटी की बात करते हैं, जैसे कि कोकोनट ट्री का जो ग्लोरी होता है और मैंगो गार्डन का जो ब्यूटी होता है, इसी तरह वो बात करते हैं। तो इससे दोस्तों ये जो पोएम है कोरोमंडल फिशर्स, इस पोएम में सरोजिनी नायडू जी ने जो फिशर्स मैन के जो हार्ड वर्किंग लाइफ स्टाइल होता है उसके ऊपर बात किया है कि किस तरह से फ़िशर्स मैन काम करते हैं, सारा दिन सारा रात काम करते हैं अपने, क्योंकि वही उनका रोजी रोटी होता है, तो उनका लाइफ स्टाइल कितना हार्ड वर्किंग होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, तो उसके ऊपर सरोजिनी नायडू जी ने इस पोएम को लिखा है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।